शरीर की इज्जत किससे है? सौदर्मन जी, राकेश नाम है आपका, क्या नाम है? अनिल जी, शरीर की इज्जत किससे होती है? लोग कहते हैं ना, आप हमारी बेइज्जती करवाते हो, आप हमारा सम्मान नहीं देते हो। तो शरीर को जो लोग सम्मान देते हैं, उस शरीर की इज्जत है किससे? महानुभाव,
आचार्य कुंद कुंद देव समय सार के तीसरे नंबर की गाथा में बता रहे हैं, इस शरीर की इज्जत हमारी आत्मा से है। किससे है? अगर इस शरीर से इस आत्मा को निकाल दिया जाए तो दो कौड़ी में भी शरीर को कोई खरीदता नहीं है। खरीदता है क्या कुबेर? है? आप देखिए आपके घरों में शेर का मुखौटा मिलेगा, खाल पे भूसा लगा हुआ शेर मिल जाएगा, हिरन बारह सिंगा मिल जाएगा, हाथी का मुखौटा मिल जाएगा, लेकिन किसी के घर में इंसान की खोपड़ी मिली क्या? तुम करल वालों के स्पेशल रखी हो कोई? किसी के घर में एक हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाए तो पूरे घर का शुद्धिकरण होता है और उस घर को लोग छोड़कर भाग जाते हैं। सोचो तुम्हारी इज्जत काय की है, किस शरीर के पीछे तुम मर रहे हो, किस शरीर को अपना मान रहे हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की भाषा में उनके समयसार की तीसरे नंबर की गाथा में है, अगर शरीर की इज्जत है तो हमारी आत्मा से। आप बेहोश हो जाओगे, आप बेहोश हो जाओ और ऐसे साथ छोड़ दो जैसे आप दुनिया से चले गए हो। आपकी पत्नी जो आपके बगल में रात के सोती है 8-8 घंटे तक, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खिलाती है, वही 5-10 मिनट रोने के बाद कहेगी इस लाश को यहां से ले जाओ। जो बच्चा आपकी गोदी में अभी पापा पापा कह के आपको गले लग रहा है, आपकी जेब से पैसे ले रहा है, आपके खर्च करवा रहा है, आप उस बच्चे के लिए उस बच्ची के लिए ना जाने कितना धन पैसा रुपया सोच कर बैठे हो, वही बच्चा कहेगा अब ये डेड बॉडी है, इसे अर्घव ने पामती स्वाहा कर। जो दोस्त तुम्हारे साथ खा रहा पी रहा गाड़ी में घूम रहा है, व्यापार कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, वो भी कब तक है? जब तक आपको वहां पर अग्नि नहीं दिया गया। शरीर में जैसी अग्नि देगा एक लकड़ी वो डालेगा और फिर धीरे से चला जाएगा, इसकी आत्मा को शांति देना। तो इस शरीर की इज्जत किससे है? आत्मा से। लोगत मैंने कल सुनाया था, सर्वत्र लोगत आत्मा जो है वो सर्वत्र सुंदर है, ये शब्द मैंने आपको कल कहा था, इससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। आपको मालूम है इस आत्मा के लिए जो शब्द वर्गणाएं हैं, जो कर्म वर्गणाएं हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं, सुनाई में आया है कि कर्म कब हुए, उसको किसी ने तो जन्म दिया होगा, किसी ने बुलाया होगा, किसी ने आमंत्रण दिया होगा, तो हमारे आचार्य कहते हैं कर्मों को कभी जन्म नहीं दिया, बुलाया नहीं, वो अपने आप सहज रूप में पैदा हो गए और अनादि से है, अनादि तक रहेंगे। और जब तक खट्टे का स्वाद नहीं लोगे तो मीठे की कीमत कैसे जानोगे। तो शब्द वर्गणाएं भी जो आचार्य कहते हैं ना कि कम बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो अंत तक अच्छा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है अंत समय में उसे गूंगा प्रकृति का बंद बन जाता है, वो बोलते रहेगा चिल्लाता रहेगा लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं, धीरे धीरे उसकी आवाज भी डाउन हो जाती है। मानवा जो साधक होते हैं वो कम बोलते हैं, कम बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। आचार्य भगवान यही तो हमसे कहना चाह रहे हैं, इस शरीर की इज्जत कब है? जब हमारी आत्मा हमारे साथ है। आप बिलीव करो, कभी विश्वास करो, फीलिंग लाओ कि हमारी शरीर से ये आत्मा निकल गई तो शरीर कैसे हो जाता है? पंगु, कुछ भी नहीं है, हिलाओ डलाओ ऊपर नीचे करो, डले रहे आदमी पड़ा है, बिल्कुल बेहोश की तरह जिंदगी जी रहा है। और ऐसा व्यक्ति को कैसे भी हिलाओ डलाओ, बाल खींच लो, कपड़े खींच दो, कुछ भी करो, वो कुछ भी अंदर से आत्मविश्वास जागृत हो कुछ नहीं करेगा, तो उसकी इज्जत कैसे है? सिर्फ आत्मा से। आचार्य भगवान यही तो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मा की इज्जत करें, शरीर की इज्जत नहीं करें। शरीर की इज्जत करने वाला मानव आत्मा की इज्जत कर ही नहीं सकता। और आज इस दुनिया में 99.9 कितने पॉइंट 99.9 व्यक्ति शरीर की इज्जत करवाने के लिए लगा हुआ है, शरीर के साजो सामान इकट्ठे करने के लगा है, और बिरला एकाध कोई पॉइंट में कोई व्यक्ति होगा जो अपनी आत्मा की इज्जत कर रहा होगा। आपको मालूम है शरीर की इज्जत के खातिर
रामचंद्र जी आए वनवास से। कहां से आए? पद्म पुराण ग्रंथ जब आप पढ़ोगे, रविशेन आचार्य महाराज उसके बारे में जब बता रहे होंगे, हमारे जिनसेन स्वामी महाराज उसके बारे में बता रहे होंगे, बड़े बड़े आचार्य महाराज पद्म पुराण के बारे में बता रहे होंगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उसमें बताई। 14 बरस के वनवास काटने के बाद जब लंका पे रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करके आ गए, सीता भी आ गई, सारी व्यवस्था हो गई, एक धोबी ने यही तो कहा था। क्या कहा था? रावण के यहां रहकर आई है सीता, क्या भरोसा पवित्रता ना हो? लांछन लगाया नहीं था। क्या कहा? सिर्फ एक वाक्य कहा कि रावण के घर पर रहकर आई है, कोयले के खदान में कोई गया होगा, कितना ही बचा होगा, पैर तो काले हुए होंगे, जबकि उसके जैसा सील व्रत और ब्रह्मचर्य कोई पालन नहीं कर सकता। उसने तो सपने में भी राम के अलावा किसी को नहीं चाहा। अगर चाहती तो रावण ने कितना प्रलोभन दिया सोने की लंका, यहां तक कि उसकी खुद की पत्नी, क्या नाम था उसका, मंदोदरी, मंदोदरी खुद आकर सीता से कह रही थी कि रावण तुम्हें बहुत चाहता है, तुमसे बहुत प्रेम करता है, मैं अपनी पटरानी का पद तुम्हें दे दूंगी, एक बार तुम हाँ तो कर दो। उन्होंने कहा बस मेरे तो राम है। किसके हैं? मेरे तो सिर्फ राम है, राम के अलावा मैं किसी को सपने में भी पसंद नहीं कर सकती, मेरा तो वैसे ही पूरा ब्रह्मचर्य चल रहा है, राम के अलावा स्वादार संतोष व्रत एक श्रावक का व्रत होता है, मैं और मेरी पत्नी इसके अलावा कुछ नहीं। अब रामचंद्र जी भी सोचो विचार करो, जो शरीर की इज्जत करता है उसके विचारधारा भी ऐसे ही हो जाते हैं। रामचंद्र जी जैसा सम्यक दृष्टि जीव, छायक सम्यक दृष्टि जीव, एक धोबी की बातों में आकर सीता को अपनाने से मना कर देता है, और क्या करता है, बड़े छल से बहाने बनाकर अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है मंत्री तुम इस सीता को जाकर वनवास छोड़कर आ जाओ। वो कहता है सीता को छोड़कर आ जाओ? बोले हाँ, और एक बहाना बनाकर जाना। बोले क्या? बोले कि आपको वन में कीड़ा घूमने के लिए ले जा रहा हूं और जाकर उसे छोड़ाना। राम रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, सीता से बहुत प्रेम करते थे, उनके अलावा उनके जीवन में कोई था ही नहीं। महानुभाव जब मंत्री जो सेनापति था उसने कहा ठीक है अब आपकी आज्ञा है राजा की, मुझे छोड़ना पड़ेगा, और गए किसमें, रथ पे सवार होकर। सीता बार बार पूछ रही है हे मंत्रीगण हमें कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, इतने घने जंगल में वाटिकाएं निकल गई, शहर निकल गया, नगर निकल गया। वो जवाब नहीं दे रहा था, और जैसे ही अपने गंतव्य बाउंड्री को पार कर गया वो उतरा रथ से और फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोने लगा आचार्य कह रहे हैं कि आंखें लाल हो गई, पूरा चेहरा गुलाबी हो गया, रोने लगा। और साथ ही साथ जो है गुरु महाराज जी का जो है चतुर्मास के बहाने जो लोगों को मिल जाता वो अपने आप में एक अद्भुत चीज है, जितना लाभ उठा दीक्षा दे ये मौका बारंबार नहीं मिलेगा। और ऐसे महाराज जी जो इतना वात्सल्य है, आपको हर चीज दिखाते, जीवन के हर चीज सिखाते, मन की दिखाते हैं, पर हर चीज सिखाते हैं आपको, वैसे मतलब सौभाग्य आपको मैं साथ जीवन में दोबारा मिलने ही मिलेगा, जितना लाभ उठा पाए हम लोग का दुर्भाग्य है। मैं बरसाती कहूँ तो शायद इतना लाभ जितना उठाना चाहिए सोच के जाते समय लाभ बिना नहीं उठा पाते अपने
दीप महावीजक सरसे कल्याणकारी श्री पाद सका धेंद्राई नमः अर्घम कृपां ते कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रपाते अकन्नेनोत्तय विभोसितेहि भवन्ति दत्तो क्षणे निबिडम ओम ह्रीं कर्म बंध विनाशनकाय क्लीम महावीरक्ष सहिताय कालसर्व दोष करणाय कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रपाते कबराधि पति की महावीजन सहिताय श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रपाते स्वाहा महावीजन सहिताय कालसर्व दोष करणाय कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रपाते सुध्याय की महावीजन सहिताय कालसर्व दोष करणाय कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रपाते ओम ब्रीम अनंग मथनाय क्रियो महाविजयक्षर सहिताय काल सर्व दोष निवारणाय कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रपाते स्वाहा।